अस्सलाम वालेकुम, दिस नबील अहमद, यू आर वाचिंग एमआईएम रिव्यूज़। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू, लाइक आप एमआईएम रिव्यूज़ को सपोर्ट करें और हमारा चैनल बाय टाइम ग्रो कर रहा है। तो इस वीडियो में जिस प्रोडक्ट को हम रिव्यू करेंगे वो है Q N85A, ये न्यू क्यूलेट मिनी LED है। सो व्हाट इज़ मिनी LED टीवी, व्हाट इज़ न्यू क्यूलेट, ये पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इसकी पिक्चर क्वालिटी, डिज़ाइन, मोशन रेट, रिफ्रेश रेट, इसका प्रोसेसर, कॉन्ट्रास्ट, ब्लैक यूनिफॉर्मिटी, लाइक डिटेल में हम इसको रिव्यू करेंगे। सो अगर आपको परचेज करना है तो वेब लिंक डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सएप का नंबर डिस्क्रिप्शन में, थ्रू दैट यू कैन कॉन्टैक्ट मी। और एक हमारा ऑफिशियल आउटलेट कराची में है, एक लाहौर पैकेजेस मॉल में, एक रावलपिंडी इस्लामाबाद में, और एक हमारा ऑफिशियल आउटलेट हैदराबाद में। सो यू कैन बाय साउंड बार, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर एंड सो मेनी प्रोडक्ट्स फ्रॉम देयर। तो रिव्यू को हम स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। टीवी से पहले मैं डिज़ाइन से स्टार्ट करता हूँ। यू नो मैं बॉर्डर्स जो होते हैं टीवी के, इसको काफ़ी अहमियत देता हूँ, क्योंकि टीवी के बॉर्डर्स जितने पतले होते हैं आपका जो व्यूइंग एक्सपीरियंस होता है उतना ही यू नो इन्हेंस होता है, आपको कोई किसी किस्म की डिस्ट्रक्शन फील नहीं होती है। अगर हम Q N85A के बॉर्डर्स को देखें तो काफ़ी पतले हैं, ये बाउंडलेस चारों साइड से बाउंडलेस है, तो जो हमारा पिक्चर का व्यूइंग एक्सपीरियंस बन रहा है वो काफ़ी लाइक इन्हेंस बन रहा है, हमें किसी किस्म की डिस्ट्रक्शन फील नहीं हो रही। और इसके जो बॉर्डर हैं लाइक वो सिल्वर कलर में है, तो एक प्रीमियम सा लुक आ रहा है, क्योंकि यही सिल्वर कलर टेबल स्टैंड भी इसका सेम कलर में है। और इसका अगर टेबल स्टैंड देखें तो काफ़ी लाइक सिंपल सा, इलीक सा, काफ़ी लाइक खूबसूरत सा लुक दे रहा है। और इसका टेबल स्टैंड इतना स्ट्रॉन्ग है कि इसके ऊपर हमने 85 इंचेस रखा हुआ, जो 85 का टेबल स्टैंड है और जो 65, तो वो काफ़ी इसने टीवी के मॉडल को स्ट्रॉन्गली होल्ड किया हुआ है। अगर टीवी को बैक से देखें, इसका जो बैक है वो ब्लैक टेक्सचर लाइनिंग के ऊपर है। और उसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो काफ़ी हाई क्वालिटी की इसके ऊपर प्लास्टिक इस्तेमाल हुई है, तो एक अच्छा सा इसके ऊपर इंप्रेशन है। अगर टेबल टॉप भी हुआ हुआ है तो ये काफ़ी अच्छा लुक दे रहा है। अब बात करते हैं हम Q N85A के साइजेस और प्राइसेस के हवाले से। Q N85A पाकिस्तान में ऑफिशियली इस वक्त 85 इंचज में अवेलेबल है। 85 इंचज की जो प्राइस है वो 9,69,999 रुपीज़ है, जो कि मैं समझता हूँ काफ़ी बेहतर प्राइस है, क्योंकि साइज़ के लिहाज से 85 इंचज है, न्यू क्यूलेट है, मिनी LED टेक्नोलॉजी है, रियल 4K टीवी है। सो ओवरऑल जो प्राइसेस हैं इट्स क्वाइट गुड इनफ फॉर 85 इंचेस। ओके, अब हम Q N85A के रिमोट को देख लेते हैं। ये सेम एज जैसे Q70A का रिमोट है, Q60A का रिमोट है, वन रिमोट है, काफ़ी सिंपल और स्लीक रिमोट है, ब्लूटूथ वन रिमोट है, यू नो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल है। इसके अलावा काफ़ी सिंपल प्राइम नेटफ्लिक्स और ब्राउज़र का बटन दिया हुआ है, लाइक सिंपली ईजी टू यूज़ है, किसी भी डायरेक्शन से आप यूज़ कर सकते हैं, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी बेस्ड है। उसके अलावा ये सोलर रिमोट है, सोलर जैसा मैंने बताया था अपनी पिछली वीडियो में भी, ये सनलाइट के थ्रू चार्ज हो जाता है, जो आपके कमरे में लाइट होती है उसके थ्रू चार्ज हो जाता है, इसमें कोई बैटरी नहीं लगती, जिसकी वजह से ये लाइक यू नो जो इको टेक्नोलॉजी है बेस्ड है। और इसके अलावा अगर आपको जल्द चार्ज करना है तो टाइप सी जो केबल होती है उसके थ्रू भी ये चार्ज हो जाता है। सो इट्स वेरी नाइस रिमोट, आई रियली लाइक दिस सोलर टेक्नोलॉजी स्पेशली। अब बात करते हैं पिक्चर क्वालिटी की, और पिक्चर क्वालिटी में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे न्यू क्यूलेट। व्हाट इज़ न्यू क्यूलेट, व्हाट इज़ मिनी LED। बेसिकली Q N85A ये मिनी LED टेक्नोलॉजी बेस है, जो कि न्यूली टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कराई है, जिससे मैं आई वुड से ये गेम चेंजर टेक्नोलॉजी, में काफ़ी टाइम बाद टीवी इंडस्ट्री में एक ऐसी टेक्नोलॉजी आई है, दैट इज़ आई वुड से समथिंग रियली न्यू। सो अगर मैं मिनी LED टीवी को आसान लफ्जों में समझाऊँ, बेसिकली मिनी LED टीवी, अगर मैं Q80T जो कि लास्ट ईयर 2020 का क्वांटम डॉट टीवी था, उसमें जो एक LED लाइट इस्तेमाल हुई है जो टीवी की सोर्स इमेज बनाती है, उसकी लाइट से कंपेयर करूं तो मिनी LED जो लाइट्स होती है वो इतनी छोटी होती है, 40 टाइम स्मॉलर होती है एज कम्पेयर टू जो मैंने मॉडल बताया Q80T, उससे अगर हम कंपेयर करें। सो ये जो टीवी है ये फिलअप होता है मिनी LED से, लाइक ऑब्वियसली अगर मिनी LED इस्तेमाल हो रही है तो उसकी लाइट है वो फिलअप होती हैं, उनकी क्वान्टिटी भी ज़्यादा होती है, फिर उन जो लाइट्स हैं उनको कंट्रोल करना, फिर उनको मैनेज करने की जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई है वो है क्वांटम मैट्रिक्स टेक्नोलॉजी। सो थ्रू दिस क्वांटम मैट्रिक्स टेक्नोलॉजी फिर ये टीवी जो ब्लैक लेवल प्रोवाइड कर रहा है, जो ब्राइटनेस लेवल प्रोवाइड कर रहा है, इसका ब्लैक लेवल इवन OLED से भी ज़्यादा बेहतर है। मींस आप इसके ऊपर जो कंटेंट देखेंगे, उसके जो कॉन्ट्रास्ट होंगे, उसके जो ब्राइटनेस लेवल होगा वो काफ़ी बेहतरीन होगा। आई वुड से क्वांटम डॉट का कलर, उसका ब्राइटनेस लेवल, क्योंकि क्वांटम डॉट के जो होते हैं कलर और ब्राइटनेस लेवल OLED से ज़्यादा बेहतर होते हैं, और फिर
OLED से ज़्यादा ब्लैक लेवल के कलर, अगर इनको कंबाइन करें तो इन दी एंड जो आउटपुट मिल रहा है वो ब्राइटेस्ट ब्राइट एंड डार्केस्ट यू नो ब्लैक आपको मिल रहा है, तो एक अच्छा आउटपुट आपको मिल रहा है। एज यू कैन सी जो मैं आपको डेमो दिखा रहा हूँ इससे आपको अंदाजा हो जाएगा, इतनी कैमरा रिकॉर्डेड है लेकिन आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी मिनी एलईडी की वजह से इसका रिजल्ट कितना इनहेंस है, इसकी क्वालिटी के ऊपर कंटेंट की कितना फर्क पड़ा है। इवन यू नो जो मिनी एलईडी है वो नॉर्मल डिफरेंट ब्रांड्स में आ रही है लेकिन बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रा मैट्रिक्स टेक्नोलॉजी की मिनी एलईडी को कितने अच्छे से कंट्रोल कर रहा है तो ये भी बहुत मायने रखता है, क्योंकि फिर जो आपको आउटपुट मिल रहा है, रिजल्ट मिल रहा है वो अप टू मार्क मिल रहा है। सो ओवरऑल जो मिनी एलईडी जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है लिटरली ये माइंड ब्लोइंग टेक्नोलॉजी है, लिटरली ये गेम चेंजर टेक्नोलॉजी है जो काफी टाइम बाद एक टीवी इंडस्ट्री के ऊपर इंट्रोड्यूस हुई है। अब हम बात करते हैं कलर की। एज यू नो ये क्वांटम डॉट टेक्नोलॉजी है तो ये कलर मैपिंग पे जो काम करता है ये 1 बिलियन कलर के ऊपर काम करता है, फिर जो आपको आउटपुट प्रोवाइड करता है वो इनहेंस अच्छा आउटपुट प्रोवाइड करता है। यू नो अगर आप रियल आपके पास ऐसा टीवी रियल 4K रेजोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है, उसके अच्छे रिफ्रेश रेट है, आप अच्छे से उसके ऊपर गेमिंग कर रहे हैं, लेकिन अगर टीवी के कलर अच्छे ना हो तो आप कंटेंट को अच्छे से इंजॉय नहीं कर पाते हैं। इसके ऊपर मैं जो आपको डेमो दिखा रहा हूँ ऑब्वियसली कैमरा रिकॉर्डेड है लेकिन इसका जो कलर है वो जो आउटपुट है और जो न्यू क्यूलेट का इसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ा है कलर के ऊपर भी, तो आई वुड से दिस टीवी हैज़ वेरी नाइस कलर्स। अब हम बात करते हैं कॉन्ट्रास्ट की। कॉन्ट्रास्ट को मैं हर वीडियो में इंपॉर्टेंस देता हूँ क्योंकि कॉन्ट्रास्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपकी टीवी के कॉन्ट्रास्ट अच्छे हैं तो फॉर एग्जाम्पल आप डार्क रूम में कंटेंट देख रहे हैं, डार्क कंटेंट देख रहे हैं, उसकी डार्कनेस कंटेंट की डार्क सीन मर्ज तो नहीं हो रही है, सो दिस इज़ वाई कॉन्ट्रास्ट इज इंपॉर्टेंट। जैसा मैंने बताया न्यू क्यूलेट की वजह से इस टीवी के जो डिमिंग है जो कॉन्ट्रास्ट है उसके ऊपर ओवरऑल एक फ़र्क पड़ा है इस टीवी के अंदर डिमिंग की वजह से। फॉर एग्जाम्पल अगर आप नाइट सीन देख रहे हैं, डार्क सीन देख रहे हैं, ब्लैक लेवल के कंटेंट देख रहे हैं तो काफ़ी इनहेंस और आपको क्लियर ऐसे दिखिए कि आपके जो कंटेंट की पिक्चर की डिटेल है वो ना कि मर्ज होगी बल्कि वो काफ़ी डिटेल में आपको दिखेगी। इवन ये मैं आपको डेमो दिखा रहा हूँ लेकिन यू कैन हैव आइडिया, इसके ऊपर हमने डार्क रूम के अंदर डिफरेंट कंटेंट प्ले किए, इवन हम वाइट जो इसके ऊपर फॉर एग्जाम्पल अगर वाइट टेक्स्ट भी होगा तो वो डार्क कंटेंट के ऊपर होगा तो टेक्स्ट होगा कहीं से ग्लो भी नहीं होगा, तो जो आप कंटेंट को देख रहे होंगे वो काफ़ी डिटेल में देख रहे होंगे, आपको किसी किस्म की डिस्ट्रक्शन फील नहीं होगी। सो थैंक्स टू इस डिमिंग टेक्नोलॉजी मिनी एलईडी टीवी जो कि क्वांटम मैट्रिक्स से कंट्रोल हो रही है, सो जिसकी वजह से इसके जो कॉन्ट्रास्ट हैं वो काफ़ी इनहेंस और लाइक लिटरली माइंड ब्लोइंग आपको मिलेंगे। वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड, इसमें जो पिक्चर सेटिंग होती है उसका इम्पैक्ट भी कॉन्ट्रास्ट रेशो के ऊपर होता है, जो आप पिक्चर सेटिंग चेंज करते हैं कंटेंट के लिहाज से तो कॉन्ट्रास्ट रेशो का भी उसके ऊपर इम्पैक्ट आता है, तो आप अपने कंटेंट के लिहाज से कॉन्ट्रास्ट और कलर मोड ये सब चेंज कर सकते हैं। अब बात करते हैं HDR की। यू नो अब स्ट्रीमिंग सर्विसेज गेमिंग HDR सपोर्टेड हैं और HDR की वजह से जो कंटेंट की डिटेल है, इवन जो छोटी डिटेल भी होती है, जो छोटे से माइनर स्पॉट भी होते हैं, वो कलर की वजह से इसकी ब्राइटनेस की वजह से डिटेल में दिख रहे होते हैं, तो HDR इन सब डिटेल को इन्हेंस कर रहा होता है। Q85A में जो HDR है वो काफ़ी बेहतरीन HDR इस्तेमाल हुआ है, इसमें क्वांटम HDR 24X है जो कि इवन जो HDR कंटेंट का सपोर्टेड होता है इसके कंटेंट के ऊपर काम करता है, जो आउटपुट प्रोवाइड करता है वो हैंस आपको HDR कंटेंट प्रोवाइड करता है। सो ये HDR 10 HDR 10 प्लस सपोर्टेड है। यू नो टीवी अवेलेबल होते हैं इवन डिफरेंट मार्केट में मिनी एलईडी अवेलेबल है दैट से दैट सपोर्ट HDR 10 प्लस, लेकिन HDR इज़ लाइक आपका लाइक कंटेंट डिफरेंट सब कंटेंट HDR सपोर्टेड होते हैं लेकिन आपका जो टीवी का HDR है वो उसे कितने अच्छे से दिखा रहा है, उस HDR कंटेंट कितने अच्छे से उसका ब्राइटनेस लेवल पर दिखा रहा है, उसके डार्केस्ट लेवल दिखा रहा है, ये HDR के मायने रखता है। सो Q85 है लिटरली वेरी अमेजिंग HDR, इसके ऊपर डेफिनेटली यू कैन एंजॉय HDR गेमिंग एंड HDR स्ट्रीमिंग सर्विसेज और या मूवीज आप जो डाउनलोड करके देखते हैं वो सब इसके ऊपर आप बेहतरीन लेवल के ऊपर देख सकते हैं। अब बात करते हैं HDR पीक ब्राइटनेस की। यू नो हर कंटेंट HDR सपोर्ट नहीं होता, तो जो नॉन HDR कंटेंट है उस पर आपका टीवी उसकी ब्राइटनेस लेवल को कितने मैक्सिमम लेवल पर दिखा सकता है। Q85 एज आई टोल्ड ये मिनी LED टीवी है तो इसका जो ब्राइटनेस लेवल के ऊपर दिखाता है HDR पीक ब्राइटनेस की तो काफ़ी मैक्सिमम आपको आउटपुट ऑप्टिमल आउटपुट दिखाता है। सो एज यू कैन सी ये जो डेमो आप देख रहे हैं ऑब्वियसली कैमरा रिकॉर्डेड है लेकिन ये नॉन HDR डेमो है, लेकिन इसका जो आउटपुट है इवन ये कैमरा रिकॉर्डेड लेकिन इनके एनालाइज काफ़ी बेहतरीन इसका आउटपुट है। डेफिनेटली इसके ऊपर हमने जो नॉन HDR कंटेंट प्ले किए हैं उसका जो ब्राइटनेस लेवल है काफ़ी मैक्सिमम लेवल के ऊपर दिखा रहा है, इवन वी लिटरली एंजॉय कंटेंट ऑन दैट। अब हम बात करते हैं ब्लैक यूनिफॉर्मिटी की। ब्लैक यूनिफॉर्मिटी का हमने एक ट्यूटोरियल भी बनाया हुआ है जिससे आप अपनी टीवी की ब्लैक यूनिफॉर्मिटी चेक कर सकते हैं। यू नो हम जो इतनी एफर्ट कर रहे हैं जस्ट बिकॉज हम वी आर ट्राइंग टू हेल्प यू आउट,
सो प्लीज़ इफ़ यू हैवन सब्सक्राइब योर चैनल डू सब्सक्राइब इट। सो वट इज़ ब्लैक यूनिफॉर्मिटी? ब्लैक बेसिकली आपका टीवी एक सॉलिड ब्लैक कलर को कितने अच्छे से दिखाता है, ये ब्लैक यूनिफॉर्मिटी में आ जाता है। सो अगर हम Q85 की ब्लैक यूनिफॉर्मिटी की बात करें तो इट हैज़ लिटरली वेरी अमेजिंग ब्लैक यूनिफॉर्मिटी। इसके ऊपर हमने डार्क रूम में ब्लैक यूनिफॉर्मिटी टेस्ट किए, डिफरेंट कंटेंट प्ले किए हैं। सो दिस टीवी हैज़ नो डाउट अमेजिंग ब्लैक यूनिफॉर्मिटी। अब बात करते हैं ग्रे यूनिफॉर्मिटी की। ग्रे यूनिफॉर्मिटी इज इंपॉर्टेंट फॉर देम। अगर आप स्पोर्ट्स लवर हैं, मोस्टली पाकिस्तान में हर कोई स्पोर्ट्स देख रहा होता है, लाइक आप क्रिकेट या फुटबॉल लवर हैं, इवन आप फीफा लाइक गेमिंग करते हैं, गेमिंग में भी काउंट हो रहा होता है, तो एक सिंगल सॉलिड कलर को आपका टीवी कितने अच्छे से दिखाता है, ये ग्रे यूनिफॉर्मिटी में आ जाता है। Q85A के ऊपर हमने ग्रे यूनिफॉर्मिटी टेस्ट किया। इसके अलावा हमने कंटेंट प्ले किए, लाइक वी प्लेड फीफा, वी प्लेड वर्चुअल टेनिस, डिफरेंट हमने इसके ऊपर गेमिंग भी किए। सो Q85A की जो ग्रे यूनिफॉर्मिटी है वो काफ़ी बेहतरीन है। इसके ऊपर आपको किसी किस्म की आपको डार्क पैचेस नहीं दिखेंगे, इवन जो माइनर पैचेस होते हैं इट्स कम इन गुड ग्रे यूनिफॉर्मिटी, लेकिन अगर ज़्यादा हो तो दैट कम्स इन बैड ग्रे यूनिफॉर्मिटी। दिस टीवी हैज़ लिटरली वेरी गुड ग्रे यूनिफॉर्मिटी टेस्ट। अब बात करते हैं रिफ्लेक्शन की। रिफ्लेक्शन इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल आप टीवी, आपके रूम में सनलाइट आती है, आपके रूम में लाइट्स हैं, फॉर एग्जांपल आप डार्क रूम में कंटेंट नहीं देख रहे, तो आपका टीवी उसके रिफ्लेक्शन को कितना अच्छे से हैंडल कर रहा है, आपको कहीं ज़्यादा डिस्ट्रक्शन तो फील नहीं हो रही, तो ये रिफ्लेक्शन में आ जाता है। Q85A में इवन एंटी रिफ्लेक्शन लेयर इस्तेमाल हुई है, जिसकी वजह से यू नो जो रिफ्लेक्शन है, इवन जो सनलाइट आ रही है, इवन जो लाइट्स हैं उसको अच्छे से हैंडल करता है। आप बिना किसी डिस्ट्रक्शन के इसके ऊपर कंटेंट को एंजॉय करते हैं। इवन जो मैंने डेमोज मोस्टली इसके ऊपर मैं आपको अभी जो दिखा रहा हूँ, ये एक ओपन लाइट एरिया में रिकॉर्ड हुआ है, जिसकी वजह से इसकी जो रिफ्लेक्शन है वो हैंडलिंग यू कैन चेक के ये काफ़ी अच्छे से रिफ्लेक्शन को हैंडल कर रहा है। अब बात करते हैं विंग एंगल की। यू नो अगर आप गैदरिंग में टीवी देखते हैं, फैमिली के साथ देखते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सेंटर में बैठा है तो कोई साइड पर बैठा है, किसी का जो विंग एंगल है वो साइड से बन रहा होता है, तो जो आप कंटेंट को सेंटर से देख रहे होते हैं वही अगर आप साइड के एंगल से देखें तो आपको डिस्ट्रक्शन तो फील नहीं हो रही, आपको कलर फैलेट तो नहीं हो रही लग रहे, तो ये विंग एंगल पर आ जाता है। Q85A ऑब्वियसली अगर ये घर में रखा है डेफिनेटली आपकी फैमिली फ्रेंड्स आपकी गैदरिंग तो आएगी इस टीवी को देखने के लिए। सो इसका जो विंग एंगल है वो काफ़ी बेहतरीन है। अगर आप सेंटर से जो कंटेंट देख रहे हैं डेफिनेटली जो साइड से एंगल से देखेंगे तो आपको जो कंटेंट का लेवल है आपको सेम ही फील होगा। अब बात करते हैं प्रोसेसर की। प्रोसेसर आई वुड से कि टीवी का बैकबोन होता है। यू नो इस टीवी में जो स्मार्ट फीचर है जो डुअल 4K रेजोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है बिकॉज ऑफ इस न्यू क्वांटम प्रोसेसर 4K जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रोसेसर है। यू नो अगर आपके पास ऐसा टीवी है जो अच्छी रेजोल्यूशन दे रहा है, इवन अच्छी उसके ऊपर गेमिंग करते हैं, लेकिन ड्यू टू प्रोसेसर के ऐसा तो नहीं, उसके स्मार्ट फीचर बाय टाइम उसकी जो परफॉर्मेंस है वो बाय टाइम थोड़ा सा स्लो होने लग जाए, इवन ऐसी भी लोगों की कंप्लेन आती है, डिफरेंट ब्रांड में लोग कंप्लेंस कर रहे होते हैं कि उनका टीवी स्लो, उनकी जो परफॉर्मेंस है वो स्लो होती जा रही है। लेकिन जो इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें इस्तेमाल हुआ होता है वो टाइजन ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो एक टीवी के लिहाज से एक डिज़ाइन हुआ हुआ है। तो बेसिकली अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप आज टीवी परचेज करते हैं, कुछ सालों बाद उसकी जो परफॉर्मेंस है वो कम तो नहीं हो जाती, टाइजन है ये आप कुछ साल बाद भी यूज़ करेंगे, इसकी परफॉर्मेंस हमेशा ऑप्टिमल रहती है। फॉर एग्जांपल आप इसके ऊपर ऐप्स अच्छी खासी ऐप भी इंस्टॉल कर दें तो ये इसकी परफॉर्मेंस ऑप्टिमल ही रहेगी। सो इट्स बिकॉज ऑफ ए स्ट्रॉन्ग प्रोसेसर। इसके अलावा ये रियल 4K रेजोल्यूशन प्रोवाइड करता है, ना कि सिर्फ 4K रेजोल्यूशन प्रोवाइड करता है, जो आपके FHD कंटेंट है उसको ये अप स्केल करके दिखाता है, जिसकी वजह से जो आप कंटेंट है उसे मज़ीद अच्छे से डिटेल में देख सकते हैं। यू नो आप 120 FPS के ऊपर गेम कर रहे हैं जो कंसोल आया हुआ है, लेकिन रेजोल्यूशन 1080p के ऊपर आई हुई है, लाइक अभी वो 4K 120 FPS के ऊपर सपोर्टेड नहीं है, तो जो 180p जो रेजोल्यूशन है उसको अप स्केल करता है, डेफिनेटली आप गेमिंग भी अच्छे से इन्जॉय करते हैं। और इवन इसमें जो स्मार्ट फीचर है वो काफ़ी इन्हेंस स्मार्ट फीचर है। फॉर एग्जाम्पल इसमें गूगल ड्यू अवेलेबल है, जिसके थ्रू आप वीडियो कॉल कर सकते हैं, लाइक यू आर वर्किंग फ्रॉम होम, सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट फीचर। आप इसके ऊपर कैमरा कनेक्ट करें और आप इसके ऊपर वीडियो कॉल कर सकते हैं। इसमें डिफरेंट लॉजिटेक के कैमराज अटैच हो जाते हैं, लाइक इफ यू वॉन्ट टू नो प्लीज कमेंट, आई विल गेट बैक टू यू, मैं आपको बता दूँगा कौन से कैमराज इसके ऊपर कनेक्ट होते हैं। डेफिनेटली आई विल मेक अ ट्यूटोरियल, लाइक मैं इसका जल्द ही कोई ट्यूटोरियल भी बनाऊंगा। और इसके अलावा इसके अंदर PC ऑन TV अवेलेबल है, एक रिमोट एक्सेस का मैंने एक ट्यूटोरियल बनाया था, इसके थ्रू आपका जो PC है, जो आपका लैपटॉप है, उसका डेटा TV के ऊपर आ जाता है। फॉर एग्जांपल आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और आप यू नो यू आर टायर्ड वर्किंग ऑन लैपटॉप, सो सिंपली आप ब्लूटूथ माउस और ब्लूटूथ कीबोर्ड TV के साथ कनेक्ट करें एंड देन यू कैन वर्क ऑन इट। और इसका ट्यूटोरियल ज़रूर आप चेक करेंगे, काफ़ी फायदेमंद ट्यूटोरियल है। और जो PC ऑन TV है डेफिनेटली एक अपडेटेड फीचर आया है, इसमें एक दो चीज़ें और ऐड हुई हैं, तो इसका भी मैं एक सेपरेटली ट्यूटोरियल भी बनाऊंगा। और इसमें मल्टी व्यू भी अवेलेबल है, मल्टी व्यू इज़ क्वाइट
क्वाइट यू नो वेरी नाइस कूल फीचर. फॉर एग्जांपल आपने मोबाइल मिरर किया हुआ, टी वी का कंटेंट भी आप साथ में देख रहे हैं, इसके काफ़ी लाइक इंपॉर्टेंस है, काफ़ी फ़ायदे हैं. डेफिनेटली मैं इसका एक सेपरेट ट्यूटोरियल बनाऊंगा. मोबाइल मिरर का टैप व्यू का मैंने एक फीचर का ट्यूटोरियल बनाया हुआ था. आप सिंपली मोबाइल टैप करें और आपका मोबाइल गैलेक्सी मोबाइल टी वी के साथ मिरर हो जाएगा. सो डू चेक इट आउट इन द ट्यूटोरियल प्लेलिस्ट, वो फीचर भी इसमें अवेलेबल है. और इसके अलावा इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर अवेलेबल है, इसका ऐप स्टोर जो है सारे इंपॉर्टेंट ऐप इसके ऐप स्टोर में अवेलेबल है जो एक टी वी के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, टी वी के लिए दरकार होती हैं, लाइक यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, प्राइम, अमेजोन. सो जो टाइजन है जैसा मैंने बताया वो एक टी वी के लिहाज से डिज़ाइन है, तो इसकी जो परफॉर्मेंस है हमेशा ऑप्टिमल ही रहती है. अब बात करते हैं हम रिफ्रेश रेट की, मोशन रेट की, इनपुट लैग की, रिस्पॉन्स टाइम की. यू नो एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट 4K रेजोल्यूशन 120fps. द थिंग जो लोग कम बात कर रहे हैं वो है इनपुट लैग की. यू नो अगर आपका टी वी 120fps दे रहा है 4K रेजोल्यूशन के ऊपर दे रहा है लेकिन उसका इनपुट लैग अच्छा ना हो तो आप गेमिंग को उस लेवल के ऊपर एंजॉय नहीं कर सकते. इवन रिस्पॉन्स टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है. Q85A ना कि HDMI 2.1 सपोर्टेड है, 4K रेजोल्यूशन 120fps के ऊपर दे रहा है. इसके अलावा इसमें ऑटो लो लेटेंसी मोड अवेलेबल है जिसकी वजह से जो इसका इनपुट लैग है वो काफ़ी कम है, लाइक बिना किसी डिस्ट्रक्शन के आप इसके ऊपर गेमिंग कर सकते हैं. इसके अलावा इसके अंदर मोशन एक्सेलरेशन टर्बो अवेलेबल है जिसकी वजह से इसका जो टीवी की जो परफॉर्मेंस है, जो स्मूथनेस है, वो काफ़ी आपको बेहतर लगती है. फॉर एग्जांपल इफ यू प्लेइंग अ रेसिंग गेम तो बिना किसी जटर के, बिना किसी लैगिंग के आप इसके ऊपर गेमिंग करते हैं. सो दिस टीवी इज लिटरली अमेजिंग फॉर गेमिंग पर्पस. सो राइट नाउ वी आर प्लेइंग गोसो सुशीमा डायरेक्टर कट. लिटरली वो जो गेम है इट्स इट्स अ ब्यूटीफुल गेम और उस टीवी के ऊपर उसकी जो ब्यूटी है वो काफ़ी इन्हेंस हो गई है. उसकी परफॉर्मेंस, उसकी लाइक कलर, उसकी लाइक लोकेशन, सीनरी, लाइक इट्स लुकिंग सो ब्यूटीफुल ऑन दिस मॉडल. अब बात करते हैं मोशन की. यू नो आप ऐसा कंटेंट अगर आप एक्शन मूवीज देखते हैं, एक्शन सीरीज देखते हैं, तो जो एक्शन सीन है उसकी जो यू नो मूवमेंट है कहीं आपको डिस्ट्रक्शन तो फील नहीं हो रही है. मोशन अगर आपके टीवी के अच्छे हैं तो आप काफ़ी अच्छे से कंटेंट को दिखा सकते हैं. ऑब्वियसली दिस टीवी हैज़ लिटरली वेरी अमेजिंग मोशन रेट, इसके ऊपर आप जो एक्शन सीरीज हैं, एक्शन टीवी अच्छे से इन्जॉय कर सकते हैं. इवन पिक्चर क्लैरिटी सेटिंग में आप जाके इसको ऑटो भी कर सकते हैं, अपने कस्टमर अपने कंटेंट के लिहाज से आप इसके मोशन क्लैरिटी को एडजस्ट भी कर सकते हैं. सैमसंग टीवी की खास बात ये कि जो मोशन होते हैं टीवी के जो कंटेंट के आप अपनी मर्जी से कंटेंट के लिहाज से उसे एडजस्ट कर सकते हैं. यू नो जस्ट यू नीड टू एक्सप्लोर इट मोर. सो ओवरऑल Q85A के ऊपर हमने डिफरेंट कंटेंट प्ले किए, एक्शन मूवीज, एक्शन सीरीज, एंड लिटरली वी एंजॉयड दी मूवीज, एक्शन सीरीज ऑन इट बिकॉज ऑफ इस पिक्चर क्लैरिटी सेटिंग, जो इसके मोशन रेट है उसकी वजह से. अब बात करते हैं हम साउंड क्वालिटी की. यू नो मैंने साउंड बार के भी रिव्यूज बनाए हुए, होम थिएटर के भी 5 चैनल का एक ट्यूटोरियल भी बनाया हुआ है, और जो साउंड सिस्टम की प्ले लिस्ट है वहाँ जाके देख भी सकते हैं. सो अगर ड्यू टू सम रीजन आप साउंड बार या होम थिएटर यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आपका टीवी का साउंड का आउटपुट कैसा है, दिस इज इंपॉर्टेंट. Q85A में OTS है, ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग साउंड, जो कि एक सराउंड साउंड क्रिएट करता है. आपकी जो कंटेंट होते हैं उसकी जो मूविंग ऑब्जेक्ट है उसके लिहाज से साउंड ट्रैवल करता है. सो इट हैज़ वेरी अमेजिंग साउंड. उसके अलावा इसमें एक स्पेस फिट एक ऐसा फीचर अवेलेबल है जो आपकी सिटिंग अरेंजमेंट होती है, आपके रूम में जो फर्नीचर की अरेंजमेंट होती है, ये जो टीवी का स्पेस फिट फीचर है ये इसको एनालाइज करता है, फिर जो साउंड आउटपुट देता है आपकी सिटिंग अरेंजमेंट के लिहाज से देता है. डेफिनेटली इसका जो फिर एक्सपीरियंस बनता है वो काफ़ी बेहतर बनता है, आपको काफ़ी अच्छा साउंड का आउटपुट मिलता है. और इसके अलावा ये 2.2 चैनल है जिसकी वजह से इसका जो साउंड है, जो सराउंड साउंड बन रहा है वो काफ़ी आपको अच्छा एक आउटपुट मिल रहा है. अब हम इनपुट्स की बात करते हैं. इसमें 2 USB पोर्ट अवेलेबल हैं, 4 इसमें HDMI पोर्ट हैं जिसमें HDMI 2.1 सपोर्टेड है, और जो HDMI 3 वो ARC सपोर्टेड है. 1 ऑप्टिकल आउटपुट इसमें अवेलेबल है, और इसके अलावा इसमें 1 इथरनेट अवेलेबल है, और 1 एनालॉग ट्यूनर, 1 डिश ट्यूनर इसमें अवेलेबल है. अगर मैं Q85A को कंक्लूड करूँ, सो स्पेशली जो इसकी न्यू QLED टेक्नोलॉजी है, जो इसकी मिनी LED है जिसकी वजह से इसके जो ब्लैक लेवल है, जो इसका ब्राइटनेस लेवल है, उसका जो आउटपुट है वो काफ़ी बेहतरीन है, जिसकी वजह से जो आपका जो पिक्चर एक्सपीरियंस बन रहा है वो काफ़ी आपको बेहतरीन और ऑप्टिमल मिल रहा है. सो इसके जो कलर हैं, जो इसकी डिमिंग टेक्नोलॉजी है, जो इसके कॉन्ट्रास्ट हैं, जो ब्लैक यूनिफॉर्मिटी, जो ग्रे यूनिफॉर्मिटी है, डेफिनेटली जो न्यू QLED जो इसकी जो मिनी LED है इसका इम्पैक्ट सब इसकी ओवरऑल एक पिक्चर क्वालिटी के ऊपर हुआ है, जिसकी वजह से इसकी जो पिक्चर क्वालिटी बन रही है वो एक कंप्लीट एक इनहेंस पिक्चर क्वालिटी बन रही है. इसके अलावा जो इसके मोशन रेट हैं, इसके जो रिफ्रेश रेट हैं, इट्स लिटरली वेरी अमेजिंग टीवी फॉर गेमिंग पर्पज़. और इसके अलावा जो इसका प्रोसेसर है, जैसा मैंने बताया काफ़ी स्मूथ और स्ट्रॉन्ग प्रोसेसर है, जो कि रियल 4K रेजोल्यूशन प्रोवाइड करता है, बल्कि 4K रेजोल्यूशन लाइक FHD कंटेंट को अब स्केल भी करता है. सो दिस टीवी इज लिटरली वेरी अमेजिंग टीवी, भले वो साउंड टेक्नोलॉजी हो, भले वो पिक्चर क्वालिटी हो, या भले वो गेमिंग
रेटिंग के लिहाज से। सो आई वुड से इफ यू वांट टू बाय इट तो वेब डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सएप का नंबर डिस्क्रिप्शन में, एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सो इफ यू हैवंट सब्सक्राइब द चैनल डू सब्सक्राइब इट एंड सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।